लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में परिषद विद्यालय में अक्सर शिक्षक व शिक्षिकाएं देर से पहुंचते हैं। जब मीडिया कर्मी को जानकारी होने पर मीडिया कर्मी विद्यालय परिसर में पहुंचकर जानकारी करता है तो कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो मीडिया कर्मी से अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि लगभग कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अपने अपने विद्यालय को समय से नहीं पहुंचते हैं। आपको बताते चलें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ही उच्च गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार चौबे कभी भी समय से विद्यालय नहीं आते हैं। जैसे ही ये जानकारी मीडिया कर्मी को हुई तो मीडिया कर्मी जनपद सीतापुर की ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत देवकलिया के ग्राम उच्च गांव के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर प्रार्थना कर रहे छात्र छात्राओं का विजुअल बनाया। राष्ट्रगीत हो जाने के बाद विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य विद्यालय परिसर में पहुंचे और प्रधानाचार्य से मीडिया कर्मी ने देर से आने के बारे में जानकारी की तो प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार चौबे ने जो जवाब दिया, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी कार्यशैली क्या होगी। आप स्वयं सुन सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए गौतम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? प्राइमरी विद्यालय ऊंच गांव एवं जूनियर हाई स्कूल ऊंच गांव में। यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है जो प्रधानाचार्य हैं वो सही समय से नहीं आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लखनऊ से एक टीचर आते हैं जिनका नाम है जो चौबे चौबे कहते हैं, अनिल कुमार चौबे जी। वो 11 बजे कभी 12 बजे ऐसे विद्यालय आते हैं। और जाने का समय क्या है इनके? और उनका जाने का समय आए बस हाजिर लगाए अपना फिर वापस चले जाते हैं। कभी कभी 3 बजे जाते हैं, कभी कभी 2 बजे जाते हैं, कभी कभी 1 बजे वापस चले जाते हैं। आज आए नहीं है? और अभी उनका आने का समय नहीं हुआ है ना, आएंगे, आने का समय नहीं हुआ है। 11 बजे 12 बजे आ जाएंगे और जो भोजन बनवाते हैं उसमें जैसे आज आलू बनना है तो आलू नहीं बनवाएंगे, जैसे दाल बनना है तो दाल नहीं बनेगी। मतलब शेड्यूल के हिसाब से भोजन नहीं बनता है, शेड्यूल के विपरीत बनता है। दूध कभी आता ही नहीं है। आज कौन सा दिन है, क्या बटेगा आज? अब आज के दिन में हमें जानकारी तो नहीं है, बुधवार है, जानकारी प्राप्त करते हैं टीचरों से कि क्या आज मीनू है, आज के मीनू क्या है। मीनू आज का है, आज बताती हैं यहाँ की जो आया खाना बनाती है कि तहरी का मीनू है। आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, राम लखन गौतम मेरा नाम है। कहाँ रहने वाले हैं? ऊंच गांव में रहने वाला हूँ और पूर्व में मेरी पत्नी यहाँ से सदस्य जिला पंचायत रही हूँ। चलिए ठीक, धन्यवाद जी। बताएं क्यों विलम्ब हुआ? एक बच्चों की परीक्षा चल रही तो कॉपी कुछ लेनी थी जी। नहीं, आज ही आज कॉपी का मामला है यहाँ पर, तो शिकायत मिल रही है कि परमानेंट आप लेट आते हैं। नहीं, ये तो शिकायत बिल्कुल निराधार और गलत है, इसके बारे में जो है चाहें तो आप और भी। मैं भी जानकारी करी आपके सामने, दो एक लोग बोले हैं, उन्होंने भी तो यही कहा है कि लेट से आते हैं गुरु जी। नहीं, मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा। आपके सामने आप खड़े थे यहाँ? नहीं, मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार चौबे है जी। यहाँ इस वक्त आप कहाँ खड़े? विद्यालय में खड़ा हूँ। अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य? प्रभारी प्रधानाचार्य। यहाँ पे अभी शिकायत हो रही थी कि मतलब गुरु जी देर में आते हैं और समय से नहीं आते, समय से पहले चले जाते हैं, मिड डे मील में भी गड़बड़ है मामला, तो क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल जो है टोटली निराधार और गलत है। यहाँ पर सब लोग समय से आते हैं, समय से ही जाते हैं, ज़्यादा से मिड डे मील भी ठीक बनता है। आज आप किस समय आए विद्यालय पर? मैं कॉपी थोड़ी कम पड़ गई थी तो कॉपी खरीद के जो है 9:05 पर आया हूँ। 9:15 हमारी घड़ी बता रही थी जिस वक्त आपकी गाड़ी, हाँ ये गाड़ी आपकी जिस वक्त खड़ी हुई
उस वक्त 9:15 बजे। अच्छा, हो सकता है हमारा मोबाइल में टाइम का सेटिंग मैच नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिसाब से 9:05 हो रहा था, 9:15 हुआ था जब आपकी गाड़ी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। नाम आपका? अधोरी लाल गौतम। सुधा जी का? श्री चंदूलाल। कहाँ के रहने वाले? पूछ चुका हूँ। इस वक्त आप विद्यालय में खड़े हैं जी, तो विद्यालय से कोई शिकायत है आपको? खाना नहीं सही बनता है और हेडमास्टर है चौबे, वो समय से नहीं आते हैं, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जी? तो इसके लिए कहीं कोई शिकायत हो रहा है? नहीं, शिकायत तो नहीं की। नहीं किया। चलिए ठीक। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ 2 हैं। किस किस कक्षा में हैं? एक 4th में है, 1 5th में। नाम क्या है बच्चों का? अमर सेन, एक का नाम है सुभाष चंद, एक का नाम है जो है जी अवनीश कुमार। अवनीश, उम्र क्या होगी दोनों की लगभग? लगभग होगी सर 5-6 साल का होगा छोटा वाला, और 7 वर्ष का होगा, 10-12 साल का होगा। ये बताइए, शिकायत है कोई विद्यालय से, विद्यालय परिषद से? हाँ जी, शिकायत तो है सर। क्या है? खाना नहीं तो मतलब ठीक ठाक मतलब कुछ बनता है जी। और ये जो है कि चौबे जो आते हैं तो लेट में थोड़ा आते हैं। तो इस पर कहीं शिकायत की आप लोगों ने? नहीं सर, कहीं शिकायत कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं किया सर, मतलब। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। पिताजी का? पिताजी का परागी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ऊंचगांव के रहने वाले। ऊंचगांव के रहने वाले। आपके बच्चे हैं, पढ़ते विद्यालय में? हाँ जी पढ़ते हैं। तो इस वक्त कहाँ खड़े हैं? इस वक्त तो यही है। यहाँ कहाँ? यही ऊंचगांव में। ऊंचगांव में प्राइमरी में। प्राइमरी में ऐसे बोलो ना। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? इस वक्त आप विद्यालय में खड़े हैं, कोई शिकायत है विद्यालय की तरफ से? जोर से बोलो जरा। खाना ना समय से नहीं, बच्चे नहीं पावत जी। आता है, ये नहीं मिलता है। जोर से बोलो जरा, कैमरन तो कह दो हमारे। दूध नहीं मिलता है, ये सब यही शिकायतें हैं।